Hi friends, how are you all? I welcome you all to the Spoon Feed series by Shriram's IAS. My name is Pragya. और आज के अपने इस interesting episode में हम एक बहुत ही important topic पे discussion करने वाले हैं. The title of our today's discussion is Artificial Intelligence and its Environmental Impact. हम लोग बहुत धड़ल्ले से जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं और आज की डेट में एक लाइफ का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है. बट क्या इससे कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है? इज़ इट कंज्यूमिंग मोर एनर्जी देन अ सिंपल गूगल सर्च? ये सब क्वेश्चंस जो है हम आज के इस डिस्कशन में आंसर करने जा रहे हैं. तो आज के अपने इस डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैकग्राउंड की, फिर हम लोग देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स एनर्जी कंजम्पशन, फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि क्यों इमिशंस जो हैं वो हायर हैं जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए लाया गया था टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. फिर हम लोग ये देखेंगे कि एक वरिंग प्रोग्नोसिस जो है वो सामने आ रहा है और इंडियन सिनेरियो जो है वो क्या है. सो इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ आवर टुडेज टॉपिक, गूगल ने एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट रिलीज की है. सो गूगल हैज रिलीज्ड इट्स एनवायरमेंटल रिपोर्ट. और ये कह रहे हैं इस एनवायरमेंटल रिपोर्ट में कि 2022 से अगर कंपेयर करें तो 2023 में 13% मोर इमिशंस हैं इनके. और ये क्यों है? क्योंकि ये अपने सप्लाई चेन्स और डेटा सेंटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं और ये और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ने वाला है, द डिमांड ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि डेटा सेंटर्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो दिस इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा सेंटर. आप देखिए ये डेटा सेंटर्स जो है बहुत ज़्यादा एक कंप्यूटर रूम टाइप के होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है एंड डेफिनेटली इनको कूल रखना पड़ता है. तो अब इसको कूल रखने के लिए या तो हम एसीज यूज़ करेंगे या फिर हम और कोई कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. क्योंकि इन डेटा सेंटर से बहुत इनॉर्मस अमाउंट में जो है वो हीट जनरेट होती है एंड अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है तो और ज़्यादा हीट जनरेट होती है. सो डैट इज़ वाई इनका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जो इनके इमिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. आगे हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि AI एंड इट्स एनर्जी कंजम्पशन. अब जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कशन में समझ पा रहे हैं कि AI का जो एमिशन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है. ठीक है, स्टडीज़ हैव शोन डैट अ सिंपल AI क्वेरी, जो कि हम लोग एक चैट GPT पे क्वेरी करते हैं और सेम क्वेरी अगर हम लोग गूगल सर्च पे करते हैं तो चैट GPT पे जो हम लोग क्वेरी कर रहे हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी देन अ सिंपल गूगल सर्च. स्टडीज़ में ये बात साफ साफ सामने आती है. और अगर इमेज सर्च करते हैं तो फिर वो एनर्जी कंजम्पशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है. इसीलिए AI का जो फुटप्रिंट है वो ज़्यादा है, कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है एंड दिस इज़ वेरी आयरोनिकल. क्यों? क्योंकि AI को तो हम लोग एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए लेकर आए थे. अब इसके आगे देखते हैं कि इमिशंस आखिर हायर क्यों हैं, क्या रीजंस हैं बिहाइंड दीज हायर इमिशंस बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दे टिपिकली वर्क मोर देन अ सिंपल गूगल सर्च. जो हम लोग आप जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सेम चीज़ सेम क्वेश्चन गूगल सर्च में डालेंगे और सेम क्वेश्चन अगर आप चैट GPT यूज़ करके सर्च करेंगे तो चैट GPT जो वर्क करेगा वो ज़्यादा करेगा देन अ गूगल सर्च. ठीक है, दिस सिफ्ट थ्रू मच मोर डेटा वाइल प्रोसेसिंग एंड फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज. तो गूगल जिस डेटा को ट्रैक करके आपको आंसर बताता है और चैट GPT जिस डेटा बेस को ट्रैक करके आपको आंसर बताता है, तो चैट GPT का जो डेटा बेस है जिसको एनालाइज करके वो आपको सॉल्यूशन देता है रिस्पॉन्सेज देता है वो ज़्यादा वाइड है एक गूगल सर्च से. मोर वर्क मीन्स मोर एनर्जी कंजम्पशन. और ये AI सेंट कहाँ होते हैं? डेटा सेंटर्स पे होते हैं. एनर्जी कंजम्पशन रिलीजेज मोर हीट, मोर हीट रिक्वायर्स मोर कूलिंग एंड हेंस द इमिशंस आर हायर. ठीक है, तो ये मोर एनर्जी मोर हीट एंड मोर कूलिंग, तो इन डेटा सेंटर्स को कूलिंग के लिए भी ज़्यादा
एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है, इसीलिए गूगल ने अपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट में कहा है कि उनके डेटा सेंटर्स ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब एक वरिंग प्रोग्नोसिस यहाँ पे सामने आ रहा है कि डेटा सेंटर्स में हम लोग एआई तो डिप्लॉय कर रहे हैं, बट वो एनर्जी कंज्यूम करने के साथ साथ वो वाटर रिसोर्सेज भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ठंडा रखने के लिए वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये वरिंग ट्रेंड यहाँ पे सामने आ रहा है कि एज़ एआई टूल्स आर डिप्लॉयड मोर वाइडली, देयर इम्पैक्ट ऑन एनर्जी कंजम्पशन वर्ल्ड वाइड इज एक्सपेक्टेड टू राइज शार्पली, या आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ तो AI as of now 1% and 1.3% energy consume करता है world में, and this energy consumption is set to double by 2026. तो ऐसा नहीं है कि AI एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये हम लोग की गलत फहमी है कि अगर हम लोग AI को ये कर देंगे तो हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स या इमिशंस कम हो जाएंगे। यहाँ पे एक और ट्रेंड जो है वो सामने आ रहा है कि अगर जितना ज़्यादा आप AI यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंडियन सिनेरियो क्या है। तो इंडिया में भी सिनेरियो कमोबेश जो है वो सेम ही है, इंडिया में भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स खुलने लगे हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम यहाँ के भी डेटा सेंटर्स में आती है, डैट दे रिलीज मोर हीट, ठीक है। तो ये मोर हीट को कूलिंग इफेक्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होते हैं इनको ठंडा रखने के लिए, तो इंडिया भी इस चीज़ से अछूता नहीं है। अब यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी है, यहाँ तक तो हम लोग देख रहे थे कि AI का जो एक बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सामने आ रहा है, बट यहाँ एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी है जो कि AI को ढंग से यूज़ करने की बात करता है, ठीक है। इफ़ आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं अगर आप उसको कम्प्लीटली AI में कन्वर्ट ना करके अगर उनमें उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए AI यूज़ करते हैं कि वेस्टेज कम हो और ये सारी चीज़ें कम हो, तो हाँ डेफिनेटली AI कैन बी प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल इन नेचर, तब वहाँ पे वो AI जो है कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और कम एनर्जी कंजम्पशन में हेल्प भी करेगा। ये यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव व्यू है। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आर टूडेज डिस्कशन। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वेदर AI इज गोइंग टू क्रिएट मोर इन्वायरमेंटल डैमेजेस इन द फ्यूचर, और क्या हम AI का सही इस्तेमाल करके एनर्जी के जो इमिशंस हैं हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं उनको कम कर सकते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज़।